नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों किल तथा मिर्जापुर 3 के रिव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। एक तो किल फिल्म की बात करेंगे आज, जो आज रिलीज हुई है, और दोस्तों ये फिल्म जो दूसरा मिर्जापुर सीजन 3 वो भी आज रिलीज किया गया है, तो दोनों का रिव्यू कर लेते हैं। पहले मिर्जापुर सीजन 3 की बात करें तो वही जो आपने जो शुरू के 2 सीजन थे कि उसी को कहानी आगे बढ़ाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है, ज़बरदस्त डायलॉग्स है, ज़बरदस्त खून खराबा है, और कलाकारों की परफेक्ट परफॉर्मेंस है। अली फैजल हो, पंकज त्रिपाठी हो, सभी की दमदार परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ नया तो मुझे ज़्यादा नहीं लगा। और कई बातें ऐसी भी है जो मिस करेंगे आप, जो आप चाहते थे कि इन सवालों का जवाब मिलेगा, वो थोड़ी मिसिंग लगी। लेकिन कुल मिलाकर के ज़बरदस्त मतलब ये सीरीज़ है, लोगों को पसंद आ रही है और अभी भी पसंद आएगी। देख लीजिए, आपको मतलब मज़ा ज़रूर इसमें आएगा। मतलब ज़्यादा कुछ इसके बारे में कुछ बोलने में उचित नहीं समझता, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 रेटिंग जरूर दूंगा इसको। जहाँ तक बात करें आज रिलीज हुई फिल्म किल की, तो अगर आप एक्शन पसंद करते हैं और अलग तरह का एक्शन देखना चाहते हैं, नया एक्शन हीरो से मिलना चाहते हैं, तो देख लीजिए फिल्म, क्योंकि लक्ष्य ज़बरदस्त एक्शन के साथ यहाँ पे आए हैं। और ऐसे एक्शन जो टिपिकल उस तरह के एक्शन नहीं जो अमूमन फिल्मों में देखते, बिल्कुल अलग तरह के एक्शन, हॉलीवुड टाइप के एक्शन आपको लगेंगे। और काफ़ी मेहनत की उन्होंने अपने बॉडी पे भी और एक्शन में भी, इमोशन में भी प्रभावित करते हैं, जितना भी इमोशन उनका दिखाया गया है। और काफ़ी ज़बरदस्त एक एक्शन पोस्टर बॉय बन सकते हैं लक्ष्य, काफ़ी मेहनत की उन्होंने। और जिस प्रकार के ट्रेन के एक्शन सिक्वेंसेज है बहुत ही ज़बरदस्त है, कई जगह किस तरह से एक रक्षक है वो राक्षस बन जाता है, मज़ा आता है मतलब देखने में उनके एक्शन। और राघव जुगल भी प्रभावित करते हैं जितना उनके दृश्य है, और आशीष विद्यार्थी का भी ज़बरदस्त काम है। फिल्म की जो हीरोइन है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, ज़्यादा स्कोप उनके पास था नहीं, जितना भी स्कोप है उसमें वो ठीक ठाक काम कर जाती है। कुल मिलाकर के एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्शन भरपूर है, अलग है, इमोशन बहुत कम है, कुछ इनमें इमोशन है। लव का जो ट्राइंगल है या लव का जो स्टोरी है वो ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, बढ़िया बात अच्छी बात है उसको संक्षेप में दिखाया गया, बच भी सकते थे, एक दो गाने भी ऐसे थे जो दिखाने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन चलो ठीक है, कुछ और एडिट करके कुछ और बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। लेकिन कुल मिलाकर के एक पावर पैक्ड एक्शन मूवी है, जिसको बेहतरीन एक्शन के लिए, लक्ष्य की जबरदस्त एक्टिंग के लिए आप ये फिल्म जरूर देख सकते हैं। 3 स्टार कम से कम जरूर मैं इसको रेटिंग दूंगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।